Some students wanted to know about angular variables. ये actually थोड़ा बहुत हमने पहले भी कवर कर लिया था, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया. तो इसको मैं एक तो फर्स्ट लेक्चर में भी डलवा दूँगा यदि आप शुरू से देखेंगे तो, और आज के लेक्चर में भी एक बार देख सकते हैं. राइट, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एंगुलर वेलोसिटी. ओके, और वर्मा जी ने भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे समझा रखा है यदि आप देखेंगे तो. राइट, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है, अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं. इसको अच्छे लेवल पे डिटेल में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के समय पे पढ़ेंगे. ओके, तो ये बेसिकली इतना सा ही है कि भाई एक पार्टिकल यदि सर्कल में घूम रहा है और उसने यदि डेल्टा थीटा एंगल कवर किया, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, दैट इज डी थीटा बाय डी टी. अभी इससे काम चल जाएगा. क्या सिर्फ इतनी एंगुलर वेलोसिटी, ये थोड़ा सा अपन डिटेल में जब आगे देखेंगे तब समझ में आएगा, जब हम रिजिड बॉडी पे आके बात करेंगे. ऑलराइट, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी बहुत सिंपल सा आइडिया है. वो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जैसे एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें मतलब नया कुछ भी नहीं. फिर जैसे वहाँ पर एक कांस्टेंट के लिए इक्वेशन ड्राइव करते थे, वैसे यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट के लिए इक्वेशंस वैसे के वैसे ड्राइव हो जाएंगी. ठीक है, तो आइडिया बस इतना सा है कि भाई कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है राइट, तो अपन यहाँ पर उसके एंगल की बात करते हैं, कितना एंगल उसने घुमा. तो ये जो एंगल घुमा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये कॉन्सेप्ट कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है कि समझ में ना आए. ठीक है, फिर एक और बड़ा सिंपल सी चीज है कि एंगुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी से रिलेट, लीनियर स्पीड से रिलेट किया है. उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीजें थी ये कि भाई कोई पार्टिकल इतना चला, कितना चला, डेल्टा एस चला, कितना है डेल्टा एस, आर डेल्टा थीटा है, इसको दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया, तो ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, दैट्स इट. इसी तरह से बात हो रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट करने की, तो ये देखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, ओके, जो स्पीड को चेंज करता है. ये हमने आपको बताया था कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट इस दिशा में आ जाता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है. कैसे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बिकॉज ये हमको बता रहा होता है कि भाई कितनी तेजी से स्पीड चेंज हो रही है. तो यदि अपन दोनों तरफ स्पीड के लिए वाला फॉर्मूला पुट कर दे तो डी बाय डी टी ऑफ आर ओमेगा हो जाएगा, सो दैट इज आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी विच इज आर इंटू अल्फा. तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप है जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है. राइट, और अल्फा क्या था, वहाँ पे लिखा ही हुआ था डी ओमेगा बाय डी टी. तो ये बहुत सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आप सीख लेंगे, मैं कुछ सिखा दूंगा, बट फिर भी एक बार हमने बता दिए हैं फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन. राइट, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात करके कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, राइट, इट इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी.
ठीक है, ये जो दूसरा वीडियो जिसमें हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिस्कस किया है वहाँ पर ये चीज़ और डिटेल में डिस्कस हो रखी है, ऑलराइट, तो आप वो भी देख लीजिए, तो उसको इससे रिलेट करके आप इजीली समझ सकते हैं कि टेंजेंशियल स्पीड जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है।